तीन आदेश आए हैं। पहले नंबर पर माताओं में से आज मनीषा नाम की अर्जी प्रथम में स्वीकार हुई है। बीच में बैठी हैं मनीषा हैं, आ जाए आसमानी कलर की कोई साड़ी सी कुर्ता पहने। आप चाहे जहां बैठे रहना, आप तो आप, ये वो दरबार है, यह वो दरबार है जहां बड़े बड़े बुद्धिमान नतमस्तक हुए। दरबारों में किसी को अपना नाम ना बताना। आप चाहे जहां बैठे रहना, आप तो आप, आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। ये कैसे होगा, लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। बिराजो बहन माइक लो, माइक का पहले बताओ कहां से हो बहन, माइक से बोलो। नागपुर से ही हूं मैं। पहली बार आई दरबार में? यहाँ किसी को आपने नाम बताया था क्या? जी नहीं। तो हमें कैसे पता लग गया? बोलो क्या बात। हाँ बोलो। जी कोई बात, दो प्रश्न और हैं आपके, टोटल तीन प्रश्न आए। परेशान हैं, धन की तंगी बनी आपको, विगत 2017 से भाई को उपद्रव बना, संतान समस्या बनी हुई है, मनोरथ पूर्ण होगा दर्शन करवा दें, स्वयं आप दुकान डालें, कढ़ाई का काम अगर करें, कढ़ाई सिलाई व वस्त्रों का जिसका आपने सोचा है और एक बार तैयारी की है उसी में सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद। माइक से बोलो। यही सोचा था और इसी में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, अब मिल गई, अब सक्सेस ही सक्सेस है। हमने नहीं दी, उन्होंने दी। सीताराम बोलो। सीताराम सीताराम। एक ये मंत्र लिखा, कवच धाम से मिलेगा, ठीक है, और बिजनेस में आप सफल होंगे, आशीर्वाद है। कवच को लीजिएगा तो और तेज गति से उन्नति होगी। ये भैया तुम अपने उस पर भी कर सकते हो। और दूसरी बात, पेट की पीड़ा भी आपकी ठीक रहेगी जी। ये आपने बोली नहीं है दोनों बातें, लेकिन दोनों में हमारे में संकेत आए। खुश हो भैया, उनको भेजना पड़ेगा धाम पर, धाम पर, यहाँ नहीं। पर्चा बन गया है, जो होना था वो अर्जी लग गई, उन्होंने स्वीकार कर ली। कोख का बंधन है भाभी का, कोख का बंधन, बहुत असहनीय उनको पीड़ा भी बनती, गंदे सपने भी आते हैं, और इसके साथ ही कई बार डॉक्टरी उपाय भी करवा लिया, उसमें भी असफल रहे हैं। डॉक्टर ने ट्यूब की दिक्कत भी बताई हुई है, ट्यूब की समस्या बताई है, ये दिक्कत है, लेकिन ये धाम से ही ठीक होगा। बागेश्वर धाम की, अगर हम गलत बोलें तो तुरंत टोक देना है, क्योंकि बताने वाले बालाजी, हम तो मूर्ख आदमी, हमें कौन कौन ज्ञान है। हाँ, लेकिन कलयुग में यह अद्भुतता का विषय है पढ़े लिखे लोगों के, कि ये कैसे हो सकता है। लगाओ अपनी बुद्धि, अपनो तर्क, जो हमने ठठरी ना बाहर दई। हाँ, और हाँ, पूछना उतना ही जितना सुन सको, वरना सब सिस्टम धरे कहा है। हमारे भाई भाई की अगर टावर उल्टे हो गए तो समझो पे बाद में तुम कहते हो, हाँ जोड़ोगे गुरु जी, वीडियो डिलीट करवा दो, फिर नहीं हो रहा, फिर वो वायरल हो जा। आओ आओ, सो सब सिस्टम धरे का है, तुम पूछ, सोच लियो कि तुम्हें का पूछने, और अगर हमारो तनक ही मूड खिसक गो तो समझो खतरा है, और अगर तुम कौन, तुम्हारी कौन इज्जत ना हो सो कोई दिक्कत नहीं, सो हम ही ना बता दी।